हेलो एंड वेलकम टू एके स्टडी हब। आज हम लोग करने वाले हैं 29 सितंबर का द हिंदू। ओके, तो एज यूजुअल सबसे पहले हमारा कोट फॉर द डे देखेंगे। आज का कोट लिया गया है गौतम बुद्ध से। ओके, तो बुद्ध क्या कहते हैं, देखिए, व्हाट इज टॉकिंग अबाउट माइंड, द माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम। ठीक है, तो माइंड क्या है, इट इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम। ओके, सो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका माइंड है वो सब कुछ है और आप जो सोचते हैं वही आप बनोगे। माइंड के बाहर देयर इज नथिंग, दैट इज व्हाट बुद्ध हैज टू से। और ये कहाँ आप यूज कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो आपके जब फिलोसॉफिकल एसेज आते हैं, स्पेसिफिकली जब वो हैप्पीनेस के ऊपर, ठीक है, जब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आया था तो तब भी हैप्पीनेस रिगार्डिंग बहुत सारे एसेज आए थे। और आज भी ये जो बातें हैं फिलोसॉफिकल एसेज की आपको बहुत सारे एग्जाम्स में दिखेगी, तो ऐसे एग्जाम्स में आप लोग ये कोड को यूज करते हैं। ओके, सो क्विकली हम लोग जाएंगे हमारे डेली डोज ऑफ वोकैब की तरफ। आज का पहला वर्ड है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होना, सिकुड़ जाना। ओके, जैसे आपका स्वेटर होता है ठंडी के दिन, आपका जो वुल का स्वेटर होता है कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो उसे हम लोग कहेंगे सिकुड़ना। तो इसके हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे। पहला है कॉम्पैक्टिंग, कॉम्पैक्शन, कंप्रेशन, कंडेंसेशन, स्क्वीज एंड स्क्वीजिंग। ठीक है, स्क्वीज और स्क्वीजिंग, स्क्वीज करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है, दबा देना उसको, कंप्रेस करना, छोटा कर देना, कंप्रेस करना, ठीक है, मतलब ही क्या हो गया, सिकुड़ना। ठीक है, तो ये हो गया इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट देखते हैं कंसोलिडेटिंग। ठीक है, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेटिंग मतलब संगठित करना, साथ में आना, छोटे छोटे पार्टिकल साथ में आके एक बड़ा पार्टिकल बनेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंसोलिडेटिंग, कंसोलिडेशन। ओके, तो इसका हम लोग वर्ड देखेंगे सेंट्रलाइजिंग। सेंट्रलाइजिंग जैसा छोटे पार्टिकल सब साथ में आके मिलके एक बड़ा पार्टिकल बनेंगे, तो ये सेंट्रलाइज हो रहे हैं, राइट। नेक्स्ट देखो कंपैक्टिंग, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटिंग, पोलराइजिंग, पोलराइजिंग मतलब पोल्स की तरफ जाना, ठीक है, दो पोल्स की तरफ जाना, दो पोल्स की तरफ कंसोलिडेट होना। और दूसरा हो सकता है जो उसका बेस्ट मीनिंग बताएगा वो है यूनिफाई। ओके, तो यूनिफाई। नेक्स्ट देखो मर्जर, कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको, मर्जर, ठीक है, मर्जर मतलब विलयन, विलय करना, एक के अंदर दूसरा चला जाना, मिक्स हो जाना। ठीक है, एक बड़ा कंपनी था, छोटे कंपनी को उसने खरीद लिया, मतलब मर्जर हो गया। ओके, वर्ड देखो कॉम्बिनेशन, कंबाइनिंग, कनेक्टिंग, कनेक्शन, यूनिफिकेशन। ओके, यूनिफिकेशन। मर्जर में क्या होता है, एक बड़ी चीज एक छोटी चीज को कंट्रोल में ले लेता है, उसे हम लोग मर्जर करते हैं, मर्ज कर लेता है, बड़ी चीज के अंदर छोटी चीज विलीन हो जाता है, राइट। वेरास कंसोलिडेटिंग मतलब क्या हो गया, भले एक जैसे दिखे ये, ठीक है, बट कंसोलिडेटिंग मतलब क्या, छोटे छोटे पार्टिकल साथ में आके एक बड़ा पार्टिकल बना। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब डिफरेंस समझो बस, कंसोलिडेटिंग और विलयन का या मर्जर का। नेक्स्ट देखो प्रोस्क्राइब, ठीक है, ये प्रिस्क्राइब नहीं है, प्रोस्क्राइब है, प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब मतलब बहिष्कार करना, किसी को निकाल देना, देश में से देश निकाला करते थे ना, मतलब निकाल देना उसको, उसके ऊपर बहिष्कार करना, उसको आउटलॉ कर देना, आउटकास्ट कर देना, मतलब ही प्रोस्क्राइब। सिनोनिम्स देखो बैन करना, बार करना, एंजॉइन करना, एंजॉइन या एंजॉइन, फॉरबिड, इंटरडिक्ट, आउटलॉ या प्रोहिबिट करना, सो दीज आर द सिनोनिम्स। नेक्स्ट देखते हैं रिप्रेशन, रिप्रेशन, रिप्रेशन मतलब क्या होता है, दमन, ठीक है, दमन। ओके, तो रिप्रेशन का दमन होता है, हम लोग उसके देखेंगे अभी सिनोनिम्स, कंस्ट्रेन, कंटेनेंस, डिसिप्लिन, डिस्क्रीशन, ओके, इनहिबिशन या रिजर्व। ओके, तो बेसिकली जब सामने वाले का दमन किया जाता है, उसकी हरकतों को आप कंट्रोल में ले लेते हो, ठीक है, उसके मूवमेंट को आप दबा देते हो, तो उसे हम लोग कहेंगे रिप्रेशन। जैसे ब्रिटिश रूल रिप्रेसिव रूल था, इंडिया के ऊपर रिप्रेशन ला रहा था, ठीक है, दमन कर रहा था, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखो अडेरेंस, अडेरेंस मतलब जो अडेर करते, अडेर करते मतलब जो सामने वाले की बात सुनते हैं, उसकी बात के हिसाब से चलते, ठीक है, तो अडेरेंस मतलब वो लोग होते हैं जो किसी एक आदमी की बातों को फॉलो करते या किसी किताब को फॉलो करते, उनको हम बोलेंगे अडेरेंस, बिकॉज दे अडेर टू द टीचिंग, मतलब दे फॉलो द टीचिंग, ठीक है, अडेरेंस। देखो अभी इसके हम लोग देखेंगे हिंदी में अनुयायी। ओके, इसका क्या बोलते हैं हम लोग सिनोनिम्स में देखेंगे, ये हो गया अकॉलाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो कन्वर्ट्स, डिसाइपल्स, एपिगॉन्स एंड फॉलोअर्स, तो दीज आर बेसिकली अडेरेंस के सिनोनिम्स। ओके, नेक्स्ट देखो इंसर्जेंट, इंसर्जेंट मतलब होता है विद्रोही, जो विद्रोह करता है। ओके, इंसर्जेंट मतलब जो विद्रोह करता है, जो म्यूटिनी करता है। ओके, जो बेसिकली जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक बागी, ओके, दीज आर द वर्ड्स, तो म्यूटिनस, ठीक है, जो म्यूटिनी करेगा, रेबेलियस, रिवोल्यूशनरी, ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल्स हो गए,
इंसर्जेंट के। नेक्स्ट देखो प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल मतलब किसी ने प्रेडिक्ट कर लिया, किसी ने पहले ही जान लिया कि क्या होने वाला था। ओके तो उम्मीद के मुताबिक, जो उसने उम्मीद किया तो उसके हिसाब से हो गया, तो इसे हम लोग कहेंगे प्रेडिक्ट करना, यानी बेसिकली जान लेना। जैसे एक्सपेक्टेड, फेमिलियर, हैबिचुअल, रूटीन, अनएक्सेप्शनल, मतलब एक्सेप्शनल नहीं था, अनएक्सेप्शनल था कि भाई ये तो पता ही था, हम प्रेडिक्ट कर लिए थे कि ये होने वाला है। जैसे अगर इंडिया और एक कोई तो छोटी सी कंट्री है, ठीक है, क्रिकेट में जैसे हॉलैंड हो गया या केनिया होगी, छोटी कंट्री जिसका अगर मैच हो गया तो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं भाई इंडिया जीतेगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रेडिक्ट, उम्मीद के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं और वैसे ही होना। तो क्या अनएक्सेप्शनल है? यस। अनरिमार्केबल, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, इंडिया और हॉलैंड की मैच हो गई, इंडिया जीतने वाले थे, राइट, अनरिमार्केबल या अनएक्सेप्शनल, ओके, विच कैन बी प्रेडिक्टेड। अभी ये वर्ड्स हम लोग देखेंगे हमारे पैराग्राफ के अंदर, तो क्विकली आप इसे पढ़ लीजिए। आई होप आपने इसको पॉज करके पढ़ लिया होगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा, जो नहीं समझ पाए, उनके लिए देखिए अभी ध्यान दीजिए, धीरे से पढ़ेंगे हम लोग, एक एक पॉइंट समझेंगे। इन अ मीटिंग होम मिनिस्टर अमित शाह नोटेड दैट द ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑफ द माओइस्ट हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 96 डिस्ट्रिक्ट्स इन 10 स्टेट्स इन 2020 टू 41 नाउ। तो अमित शाह जी ने एक मीटिंग में क्या बताया है, नोट किया है कि जो माओइस्ट लोगों का 96 डिस्ट्रिक्ट्स में कंट्रोल था और 10 स्टेट्स में, और ये कब की बात है, 2010 की, वो अभी कम होके 2021 में हम देख रहे हैं सिर्फ 41 डिस्ट्रिक्ट्स तक रह गया है, राइट। आगे देखिए, द कंट्रैक्शन इज नॉट सरप्राइजिंग। ये जो कंट्रैक्शन हुआ है, ये तो स्क्वीज हो गया है, ठीक है, ये जो कम हो गए ये लोग, ये सरप्राइजिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ किया होगा। क्या देखते हैं, आर्म स्ट्रगल हैज फाउंड न्यू फ्यू टेकर्स बियॉन्ड सिलेक्ट पॉकेट्स अनटच्ड बाय डेवलपमेंट और लिंकेज विद द वेलफेयर स्टेट एंड फार फ्रॉम कंसोलिडेटिंग इट प्रेजेंस। क्या हो रहा है, जो लोग आर्म स्ट्रगल पे अभी विश्वास रखते हैं वो अभी फ्यू टेकर्स है, मतलब कम ऐसे लोग बच गए कि जो आर्म स्ट्रगल पे विश्वास रख रहे, और वो कहां तक सीमित हो गए, वो सिर्फ ऐसे लोग जगहों तक सीमित हो गए जो डेवलपमेंट से अनटच्ड है, ठीक है। तो आर्म स्ट्रगल के लिए लोगों की इच्छा कम होते जा रही है, फ्यू टेकर्स, फ्यू टेकर्स होना मतलब कम लोग जो ये चीज को बाय करे, राइट। नेक्स्ट, अ प्रोस्पेक्ट दैट सीम पॉसिबल फॉलोइंग द मर्जर ऑफ टू मेजर नक्सलाइट ग्रुप्स इनटू द प्रोस्क्राइब्ड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, ठीक है। तो इनको लगा था कि कंसोलिडेशन के बाद क्या हो जाएगा, ये जो दो मेजर ग्रुप्स थे, कौन से जो दो थे, उनका मर्जर हो गया था, और ये किसके अंदर मर्ज हो गए थे, प्रोस्क्राइब मतलब जिसको अभी बंद कर दिया, उसको बैन किया गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, ठीक है। तो इनमें मर्जर होने के लोगों को लगा कि अरे हाँ शायद ये वापस स्ट्रगल बढ़ेगा, बट ये नहीं बढ़ा, उल्टा हो गया, ये कम हो गया, ठीक है, क्या हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये, ठीक है, और अभी लोग कम है जो आर्म स्ट्रगल पे बिलीव करेंगे। आई होप यहां तक समझ गए होंगे। द ऑर्गेनाइजेशन इज लिमिटेड टू द रिमोट एंड डेंसली फॉरेस्टेड टेरेन्स ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न सेंट्रल इंडिया। कहां पे लिमिटेड है, डीपली जो एकदम रिमोट एरियाज है, फॉरेस्ट टेरेन है, सेंट्रल एंड ईस्टर्न सेंट्रल रीजन में। रादर देन मोबिलाइजिंग डिसकंटेंट्स विद द इंडियन स्टेट बाय प्रोजेक्टिंग इट वीकनेस एंड एंश्योरिंग इंक्लूजन एंड वेलफेयर, ठीक है, रादर देन मतलब ये करने के अलावा, क्या करने के अलावा, उन्होंने क्या करना चाहिए था कि इंडियन स्टेट के अगेंस्ट जो डिसकंटेंट है उसको सामने लाओ, ठीक है, इंडियन स्टेट के वीकनेसेस लाओ सामने, वो नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे उसके बदले में, द माओइस्ट हैव प्रिविलेज्ड आर्म स्ट्रगल एंड invited states repression and sought to use this to recruit adherents. Maoist क्या करते हैं, उन्होंने आर्म स्ट्रगल को जारी रखा है और उसके वजह से इंडियन फोर्स उसके ऊपर फिर रिप्रेशन लाता है, ठीक है, उनके ऊपर जब बिकॉज दे आर बॉम्बिंग अस, तो हम लोग भी अभी काउंटर करने जा रहे हैं उनको, ठीक है, तो जब काउंटर एक्ट होता है तो उसको वो यूज करते हैं अपने लोगों को रिक्रूट करने के लिए, देखो इंडियंस हम पे अटैक कर रहे हैं, या जो इंडियन गवर्नमेंट है हम पे अटैक कर रही है, चलो और रिक्रूट होकर और एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं। पर हालांकि करना क्या चाहिए, जैसे राइटर के हिसाब से, कि आप ये बताओ कि बाबा इंडियन स्टेट कहां वीक है, वो चीजों को सामने लाओ और फिर आप कुछ कर सकते हो, बट वैसा नहीं करते, वो आर्म स्ट्रगल को ही अभी भी अपना वेपन बना के रख रहे हैं। ओके ओके, सच स्ट्रैटेजी हैज लेड टू सम ऑफ इंडियाज पुअरेस्ट पीपल, द ट्राइबल्स इन छत्तीसगढ़ एंड झारखंड इन पर्टिकुलर, बींग कॉट अप इन एंडलेस वायलेंस एंड ऑल्सो कॉज सीवियर लॉसेस टू द माओइस्ट एज वेल एज एंटी इंसर्जेंट सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है। ये जो माओइस्ट लोगों की स्ट्रैटेजी है उसके वजह से क्या हो रहा है, गरीब लोग भी एंडलेस वायलेंस में अटक गए, कहा कि झारखंड और छत्तीसगढ़ के, और उसके साथ क्या हो रहा है, जो हमारे एंटी इंसर्जेंट सिक्योरिटी फोर्सेज है, जैसे कोबरा कमांडोज हो गए, ओके, जो सीआरपीएफ के जवान है, वो लोग भी अपनी जान गंवा रहे हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दिस हैज फॉलोड द प्रेडिक्टेबल पाथ ऑफ मोस्ट माओइस्ट इंसर्रेक्शंस दैट रिटेन्ड आर्म स्ट्रगल टू अचीव देयर एम्स, ठीक है। और ये जो कोई नई चीज नहीं, ये जो कर रहे हैं ना,
जो नक्सलाइट्स कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, वही प्रेडिक्टेबल पाथ है जो इसके पहले लोगों ने लिया। और किसने लिया था? द फिलीपींस एंड द पेरू फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो फिलीपींस और पेरू के भी कुछ इंसर्जेंट्स थे, उन्होंने ये सेम स्टेप उठाए कि स्टेट की गलती ना दिखाते हुए बस अटैक करो, उन्होंने अटैक किया तो चिल्लाओ कि हम पे अटैक हो गया, और लोगों को इकट्ठा करो। राइट, सो नेक्स्ट, लीविंग बिहाइंड डेथ एंड वायलेंस रादर देन एनेबलिंग जेन्युइन अपलिफ्ट ऑफ द पीपल। और ये जो हरकत की वजह से क्या होता है, लोगों का जेन्युइन अपलिफ्टमेंट नहीं होता है, बस डेथ और वायलेंस ही रह जाता है। Despite this, the Maoists have not budged from their flawed understanding of nature of Indian state. ठीक है, इतना सब होने के बाद, इतना वायलेंस होने के बाद भी Maoists जो है ना, they have not budged. Budge मतलब जगह से हिलना भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हिले, जैसे कि वैसे उनके पोजिशन पे आज भी ठाम है। बज नॉट बज मतलब बिल्कुल नहीं हिलना, एक जगह पे ही खड़े रहे। ठीक है, फ्रॉम देयर फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। ठीक है, जो उन्होंने एक गलत अंडरस्टैंडिंग बना के रखा इंडियन स्टेट और डेमोक्रेसी का, उससे वो बिल्कुल हिलने को तैयार नहीं है। अनविलिंग टू एक्सेप्ट द पुअर पीपल हुम दे क्लेम टू रिप्रेजेंट सीक ग्रेटर एंगेजमेंट विद द इलेक्ट्रल एंड वेलफेयर सिस्टम। और ये बात को विलिंगली वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे या वो सपोर्ट नहीं कर रहे कि बाबा हम लोग अगर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आ गए, ठीक है, तभी लोगों का भलाई होगा और लोगों की वेलफेयर होगी, ये चीज को मानने से तैयार नहीं है। ओके, सो दिस वाज द पैराग्राफ, बेसिकली नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में था, कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा है, नक्सलाइट्स का क्या थॉट्स है इंडियन डेमोक्रेसी के लोग के, वो क्या स्टेप्स उठा रहे, उन्होंने क्या करना चाहिए और उसके अलावा वो क्या कर रहे हैं और कैसे लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। तो ये छोटा सा हमारा पैराग्राफ था। ठीक है, तो क्विकली अभी हम जाएंगे हमारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे। तो आज के ईडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिया, तो हम पहले से चालू करेंगे। और ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने लिए। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए, तो पहला देखते चलो। ही इज कंप्लीटली एट सी अबाउट वेयर टू इन्वेस्ट हिज हार्ड अर्न मनी। ठीक है, तो एट सी का क्या मतलब होगा? एट सी एक यहां पे फ्रेज है, इसका क्या मतलब होगा? तो ही इज कंप्लीटली एट सी मतलब क्या होता है? क्या इन शॉक होता है? तो नहीं, इन शॉक नहीं होगा। कंफ्यूज होगा? तो यस। तो एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज, बीइंग कंफ्यूज। आप इमेजिन करो कि आप समुद्र के अंदर और आजू बाजू में कुछ भी नहीं, ठीक है, अगल बगल में कोई भी चीज नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे किधर जाना है किधर नहीं जाना है। ठीक है, जमीन किस तरफ ढूंढने में आपको कंफ्यूजन हो, पानी क्या पीना है नहीं समझ में आएगा कि पानी अवेलेबल नहीं रहेगा, समुद्र का पानी नहीं पी सकते, खाओगे क्या? ठीक है, एट सी होना मतलब टोटली कंफ्यूज, बैफल्ड, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे एट सी मतलब कंफ्यूज, श्योर तो बिल्कुल नहीं होगा और कमिटेड नहीं होगा, पानी में किससे कमिटेड रहोगे? ठीक है, तो ही इज कंप्लीटली एट सी अबाउट वेयर टू इन्वेस्ट हिज हार्डन्ड मनी। नेक्स्ट देखो, ट्राइंग टू फाइंड माई लॉस्ट रिंग इन द कॉलेज इज लाइक लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हेस्टैक। ठीक है, तो हमें नीडल इन अ हेस्टैक का मतलब चाहिए। ठीक है, तो एक भूसे के ढेर में सुई ढूंढना, ठीक है, नीडल मतलब सुई होता है, नीडल इन अ हेस्टैक, हेस्टैक मतलब भूसा होता है, तो आपको अभी तुरंत पता चल गया होगा आंसर क्या। डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल, ऐसी चीज बहुत इम्पॉसिबल है, कैसे ढूंढोगे अभी पूरा? अगर एक भूसे का ढेर आपके सामने रख दे, उसमें छोटी सी सुई मैंने छुपा दी, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, राइट, विच इज इम्पॉसिबल, चीज को समझो। नेक्स्ट देखो, और ये तीनों तो अपने आप ही हो जाएंगे क्योंकि आपको डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल इज द आंसर। नेक्स्ट देखो, ऑफ एंड ऑन आई टेक अ ब्रेक फ्रॉम माई हेक्टिक शेड्यूल टू रिफ्रेश माई सेल्फ। ठीक है, ऑफ एंड ऑन मतलब क्या होता है? इसी का मीनिंग आपको यहां से दिखाना है। चलो बताओ क्या होगा? रेयरली होगा, सेल्डम होगा, इमीडिएटली होगा, पीरियोडिकली होगा। ठीक है, ऑफ एंड ऑन मतलब क्या होगा? कभी शुरू कभी बंद, कभी शुरू कभी बंद, इसका मतलब पीरियोडिक, बंद चालू बंद चालू। ओके, कंटिन्यू नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है पीरियोडिकली या इंटरमीटेंटली। इंटरमीटिंग मैंने आपको वर्ड दिखाया था, ठीक है, हमारे डेली डोज वोकैब में इंटरमीटिंग ये वर्ड हमने देखा है, राइट। तो ये थे हमारे आज के इडियम्स एंड फ्रेजेस। ओके, तो अभी हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस कुछ दिनों तक क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में देखेंगे। आई होप आपको इसमें से बहुत सीखने को मिल रहा होगा। ओके, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए, और हमारे जो नए नए वीडियोस आने वाले हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले, राइट। विद दैट वी विल एंड एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।